ब्लॉग वहाँ पे चल रहा प्रोजेक्टर में जबरदस्त है। सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जैसे कि देख सकते, देखो आप अर्ली मॉर्निंग नहीं बोल सकते, इट्स लाइक ऑलरेडी 11:30। बस अभी उठ के शावर ले लिया, शावर लेके ऐसे बाहर आया था कुछ काम से, और रात में भी बहुत देर तक सो गया एडिट करके व्लॉग अपलोड करे तक। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फजर का टाइम होगा, फिर फजर की नमाज़ पढ़ लेके मैं सो गया। सो के उठा फिर लाइक 11:30, आज जुम्मा है सो नमाज़ भी पढ़ना है बोल के, बट फिर भी यहाँ थोड़ा काम था तो आ गया। देखो अपनी सुबह यहाँ फील्ड्स में हुई, इधर से पूरा माउंटेन्स और फील्ड्स, और इधर से जैसे कि देख सकते, देखो बस यो इधर पानी, भाई पानी को देखे तो मेरा तो दिल इतना तिरना बोल रहा। बट जस्ट अभी मैं शावर लेके आया, अब नमाज़ पढ़ना है मेरे को जाके, नमाज़ अदा करना भी बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए लाइक इट्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर है। 1 आवर में क्या अब तीरना, लाइक उसके बाद अब मैं पानी में गया ना भाई, कैसा रहता बोले तो 2-3 आवर्स अपन बाहर नहीं आते, उतना स्विमिंग उतना ज़्यादा पसंद मेरे को। यहाँ पानी भी क्लीन है बट मेरे को नमाज़ को भी जाना है ना, इसलिए बट आई एम कंट्रोलिंग माई फीलिंग्स। बहुत मुश्किल है भाई, मेरे को तो स्विमिंग इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से देखो फिर अपन और एक नल्लावागु डैम है कहते, कोई अपने साथ मेरे साथ हमारे एक अंकल है, उन्होंने यहाँ नहीं है फ़िलहाल, कुछ काम से उन्होंने वहाँ दूसरे साइड है। मैं आपको इंशाल्लाह आगे मैं आपको उनसे मुलाकात कराऊँगा, बट व्यू तो इतना ज़बरदस्त है जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे भी अपने को नल्लावागु डैम जाना है, वहाँ कोई नल्लावागु डैम करके, मैं तो अब तक लाइफ में कभी नहीं गया, मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता। मेरे साथ है माजिद मोहम्मद मजीद खान, और आज देखो बस ऐसे यहाँ नल्लावागु डैम को आए थे हम लोग, मैं और माजिद मामा हमारे, देखेंगे अपन यहाँ क्या देख सकते हैं। क्या स्पेशलिटी है माजिद मामा का? कुछ नहीं मामा, पानी है और ये लोगों को इतना फायदा है तालाब बनने से, नल्लावागु डैम बनने से। अच्छा, धान और सनफ्लावर हर वो चीज दिखती है लोगों को, इतना फायदा है डैम से। जैसे कि देख सकते, देखो इधर पूरा यहाँ से स्टार्ट है, ये नल्लावागु की ऑफिस है, ये ऑफिस है अपने पीछे, इधर से पीछे का एरिया जो भी है ऑफिस है, क्रॉस करके अभी इधर गेट है, यहाँ से अपने आगे जाने का रास्ता, ये पूरा वाटर बॉडी है, इधर से पूरे एनिमल्स है। माईपाल रेड्डी नल्लावागु, देखो देख सकते आप लोग, जरा गंदा है, साफ नहीं है पानी। पानी साफ रहे तो आज तीरते थे, पूरा देख सकते आप पानी बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। वहाँ वाटर के बीच में अपने पास आइलैंड भी है, देखो वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे अपन, वहाँ जाके आपको वहाँ से व्यू बताता हूँ मैं इंशाल्लाह। सुबह जल्दी उठा, पानी नहा लिया, पानी नहा लेके शावर ले लेके, देखो आज जुम्मा है नमाज जाएंगे बोल के इधर आए थे मैं और माजिद मामा। माजिद मामा का इधर छोटा काम था, उनका तो है काम, उनका होगा यहाँ बाजू का ऐसा नल्लावागु डैम है बोल के बोले, तो अपन एक्सप्लोर करेंगे जैसा आपको बताने की कोशिश करेंगे बोल के स्टार्ट कर लिया मैं भी। अभी अपन नमाज़ नहीं पढ़े, जाके अब नमाज़ पढ़ना है अपने को। जैसे कि देख सकते, देखो ये पूरा वो आइलैंड भी है बीच में, वो आइलैंड पे जाने की कोशिश करेंगे अपन। और यहाँ माजिद मामा है, देखो यहाँ इन्हों तो आते जाते। सो गैस चलो अपन अब उधर वो आइलैंड पे जाएंगे, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। देख सकते देखो फिलहाल इधर गेट्स क्लोज है, सही मेंटेनेंस नहीं है भाई, अगर सही मेंटेनेंस रहता तो बहुत ज़बरदस्त बनता था। कोशिश करेंगे, हाँ वायर्स भी बहुत नीचे है, बहुत देख समझ के जाना पड़ता है रास्ते से। सुबह सुबह अपन बियर ग्रिल्स बन गए डिस्कवरी चैनल, देखो हाँ जैसे कि देख सकते देखो ट्रीज, फॉरेस्ट, पत्थर, ट्रैकिंग, वाटर बॉडीज, बस ये सब ही रहेगा इंशाल्लाह। आगे अपन अब सिटी को भी मैं जा रहा हूँ, यहाँ आया था पिटलम को, फिलहाल फैसल के गांव को आया था, यहाँ से अब जाते के साथ अपने को सिटी जाना है, सिटी जाके वहाँ पे भी अपने को आपको और बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं आगे। जैसे कि देख सकते देखो यहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, अपने का अब इस पर चढ़ने का है यहाँ से। आगे जाके देखेंगे क्या देख सकते क्या एक्सप्लोर कर सकते अपन लोग।
माशाल्लाह देख सकते हो आप लोग, इधर से व्यू कितना प्यारा है। हमारे मस्जिद में हम आ रहे, देखो वहाँ से, इनको बहुत एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में। मैं इतनी दूर से आ, उन्होंने देखो उधर से आगे रास्ते से, इसलिए एक्सपीरियंस मैटर्स गाइस, एक्सपीरियंस रहना हर चीज़ में। यहाँ पे आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा, नीचे कैसा जाएंगे देख सकते, देखो यहाँ से व्यू कितना ज़बरदस्त है। अपन वो पत्थर पे, हाँ देख सकते आप लोग, अपन वो पत्थर पे जाने की कोशिश करेंगे, जाके वहां से बेटर व्यू मिलता अपने को। जो इंसान नहीं देखा उनको आके अल्लाह वाह को देखो बोलो जी। गाइस फाइनली सक्सेसफुल, देखो मैं पूरे टॉप के पत्थर पे आ चुका हूँ, यहाँ से व्यू इतना जबरदस्त है माशाल्लाह, देख सकते आप लोग हर तरफ प्लांट्स। यहाँ पे अपने माजिद मामा ठहर गए, स्पेशल थैंक्स टू माजिद मामा, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुला ले गए अपने। वहाँ डक्स देखो आपको, मच्छी खाते हैं तो लोग देख सकते आप लोग, देखो कितना जबरदस्त तीर रहे। नीचे उतरना है, जंप करना है, देखेंगे कर सकते या नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है बट फिर भी अपन ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। देख सकते आ गया मैं बस एक ही जंप में, नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नीचे से और व्यू आपको बताता हूँ मैं, नीचे और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। बट इतने ज़्यादा स्टोन्स है इधर, बहुत ज़्यादा। अपन नीचे जाएंगे, चलो भाई। इधर दो दिन सा वर्कआउट भी नहीं हो रहा सही अपना, जिम को भी नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको फोन डेली फोन कर रहा, अभी कब आता अभी कब आता बोल के। बट मैं फैसल बुला लेके आ गया, काम था थोड़ा तो आ गया मैं भी, अब जाना है जिम स्टार्ट करना है। चलो अपन आगे जाएंगे यहाँ से, और क्या व्यू दिखता देख बताने की कोशिश करता हूँ मैं। बट बहुत टफ रास्ता है भाई इधर का, बहुत ज़्यादा टफ है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है हर तरफ, जैसे कि देख सकते हो। देखो मैं नीचे भी आ गया, व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखो नीचे से व्यू है इसका, ऊपर से भी बता दिया आप, नीचे से व्यू है ये, आप देख सकते हैं नहीं, बट इसमें इतने ज़्यादा फिशेस है, क्लियरली दिख रहे हैं देखो अपने नेक डाइस को। इतना ज़बरदस्त है वहाँ, बर्ड्स भी है यहाँ पे, और हवा भी इतनी ज़बरदस्त है, हवा ठंडी ठंडी हवा है और ठंडा पानी, बहुत इतना सुकून दिख रहा। काश आपको ये सब मैं एक्सपीरियंस करा पाता, बट हैदराबाद में रहने की आदत हो गई ना भाई, सिटी लाइफ की आदत हो गई, वहाँ रह के फिर इधर आए तो इतना सुकून दिख रहा, यू कांट इवन इमेजिन, इतना ज़्यादा सुकून है इधर से, ना शोर ना शराबा ना पोल्यूशन, हर चीज़ यहाँ पे, हर चीज़ प्योर, प्योर ऑक्सीजन प्योर वाटर। वहाँ पे अपने हैदराबाद में तो इतना साउंड पोल्यूशन रहता, इतना एयर पोल्यूशन रहता, देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़बरदस्त है व्यू। चलो गाइस अब यहाँ से अपने जाने का टाइम भी आ चुका है, यहाँ से नल्लावाग से अपन, अब मैं तो निकल रहा हूँ फिलहाल, नमाज का भी टाइम हुआ मेरे को, यहाँ पे करीब में नल्लावाग के सामने ही एक मस्जिद है, जाके वहाँ पे अपन नमाज पढ़ लेंगे, नमाज का टाइम हुआ। चलो अजान हो रही, अब नमाज को भी जाना है अपने को, चलो नमाज को नमाज के बाद मिलेंगे आपसे। जैसे कि देख सकते देखो ये मस्जिद है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो जस्ट अभी नमाज कंप्लीट कर लिया, सो गाइस जैसे कि देख सकते हो देखो जस्ट अभी नमाज कंप्लीट कर लेके बाहर आया मैं, मेरे को फैज़ मिले, फैज़ यहाँ लोकल में रहते हैं। और फैज़ ये मस्जिद का नाम क्या है? जाने मस्जिद मसूद बेग, जाने मस्जिद मसूद बेग कहते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, वो सुकून दिखा मैं नमाज पढ़।
पढ़ लिया, पढ़ने के वहाँ फैज उन्होंने मिले थे। उसके बाद वहाँ से अभी आया, देखो इधर आके से इधर से जा रहा था, यहाँ व्यू बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था, तो आपको बता लेंगे बोल के यहाँ रुका। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मास्क निकाल सकता हूँ मैं फिलहाल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, देख सकते देखो। यहाँ देखो उधर से पूरा माउंटेन्स, ना कोई शोर ना शराबा, बस ज़बरदस्त धूप इन द मिडिल ऑफ फॉरेस्ट, बस ज़बरदस्त है, देख सकते देखो आप लोग। मैं आपको और क्लियर बता दूँ, देखो आप व्यू, शायद व्यू कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बट बहुत अच्छा दिख रहा मानूँ, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सक रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त दिख रहा मेरे को तो पर्सनली। सिटी लाइफ से ज़्यादा देखो मेरे को तो ऐसा एडवेंचरस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद, माउंटेन ट्रैकिंग, स्विमिंग, लाइक फॉरेस्ट एडवेंचर्स, पर्सनली मेरे को वैसा बहुत ज़्यादा पसंद ऐसी चीज़ें करना। इंशाल्लाह आपसे अब से हर चीज़ शेयर करूँगा मैं, जहाँ भी एडवेंचर करता हूँ या जहाँ भी माउंटेन ट्रैक्स पर जाता हूँ, हर जगह आपको मैं मेरे साथ लेकर चलूँगा, आप भी मेरे साथ देखो वो व्यूज, मेरे एडवेंचर्स में कैसे करता हूँ क्या करता हूँ, हर चीज़ आपसे मैं शेयर करूँगा और आप भी देख सकते। सो चलो गाइस, मैं तो फिलहाल अब यहाँ से जा रहा हूँ, चलो भी आज फेयर नहीं करे देखो अपने साथ, अलग से अलग जाके ब्लॉग बना लिए, बोले भी नहीं अपने को, अब आउटरो करने बुलाए देखो। नहीं भाई वैसा कुछ भी नहीं था, मैं सुबह जल्दी उठा एडिटिंग करके वो नमाज पढ़ने के लिए, मैं तो सो गया था, फजर पढ़ लेके वो नमाज पढ़ लेके सो गया, फिर जल्दी उठा भाई, डेली एडिटिंग इनका सुबह 6 से 7 बज रहे, वही उठ के कब उठ रहे क्या करे पता ही नहीं भाई, मैं तो 10-11 बजे उठा, आज फ्राइडे था, जुम्मा की नमाज पढ़ने का था, बोल के जल्दी उठा, शावर ले लिया और बाहर हम फैसल के चाचा के साथ, हाँ उनके साथ गया था बाहर, आ गया उसका इतना थकान हो गई थी कि पूरी रात मेरे को नींद नहीं मिली थी, इसलिए आके सो गया देखो, सो के अब उठा, अब ऐसे ही चलो, अब अपन एंड भी नहीं करे ब्लॉग को, यहाँ अपना एक टी पॉइंट भी है, तो वही चलो अपन टी पॉइंट पे चाय पी लेके, ग्रीन टी पर भाई थोड़ा प्रोजेक्टर लगा के थोड़ा एंटरटेनिंग भी कर रहे हैं ना, ग्रीन टी भाई कुछ भी, वॉकिंग डिस्टेंस है भाई घर से अपने, वॉकिंग डिस्टेंस पे चल लेते हैं। सो गाइस देखो जैसे कि देख सकते हैं अपना व्लॉग है, हम प्रोजेक्टर में शूट हो रहा है, रेस्टोरेंट में शूट चल रहा है अपना व्लॉग यहाँ पे, बस जबरदस्त है अपने यहाँ। नवीन भाई है भाई, उन्होंने अभी तक अपना व्लॉग ऑलरेडी लगा के देख रहे थे, चल रहा था इसलिए, जैसे कि देख सकते अपनी विंटेज बाइक देखो, बड़े पेपर पे आती प्रोजेक्टर, यहाँ हर कोई पब्लिक पूरे अपने व्लॉग्स देख रहे हैं यहाँ बैठ के, वो जबरदस्त दिख रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है व्लॉग अपना, अभी लेमन टी भी हो गया था अपने नवीन भाई, फिर अपने यहाँ से स्पेशली बोल के बनाने लगे लेमन टी, आ रही देखो वहाँ बन रही। गाइस देखो जैसे कि देख सकते देखो अपना आ गया, वो जबरदस्त भाई अपने भी आ गया, देखते देखो अपने साथ रुद्रा टी पॉइंट के ओनर नवीन ब्रो, नवीन ये देखो नारंगखेट में ब्रांचेस इनके फ्रेंड्स और इन्होंने पार्टनरशिप में ही खोले, मेन ब्रांच था यहाँ पिटलम में, बहुत जबरदस्त था नवीन भाई, प्रोजेक्टर वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है भाई, अपना व्लॉग भी प्रोजेक्टर भी बताए नवीन अन्ना प्ले कर रहे थे नवीन भाई हमारे, थैंक यू, चलो मिलेंगे नवीन भाई अपना, ठीक है थैंक यू अन्ना, हो गया हमारा वहाँ चाय पी के आगे नवीन भाई से मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रोजेक्टर में अपना व्लॉग देखा बहुत जबरदस्त था। अब हो गया देखो आप खाना भी खा लिया, वॉकिंग कर लिए, बस चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बाय।